What's up guys, my name is Bilal. In this lecture we learn about how to center a child div inside parent div. जी हाँ गाइस, इस लेक्चर में बात करेंगे हम एक div को सेंटर में कैसे कर सकते हैं. तो चलिए गाइस शुरू करते हैं. अपना पेरेंट नहीं मानने वाला, ये कहेगा भाई मेरा पेरेंट ये जो बॉडी है ना ये इसको अपना पेरेंट मानने वाला है यहाँ से. तो यहाँ से ये 50% जो है 50 पिक्सल जो मूव करेगा. ओके, अगर रिफ्रेश करो तो देखें ये ऊपर की तरफ मूव कर गया. ठीक है, तो अभी किसको पेरेंट मार रहा है, ये इसको पेरेंट मार रहा है. ओके, नेक्स्ट अगर गाइस देखें कि अब इतना काम हो गया. अब अगर मैं यहाँ पर दे दूँ पोजिशन रिलेटिव पोजिशन, ओके रिलेटिव, तो जैसे मैंने पोजीशन रिलेटिव दिया ना गाइस, तो ये इस डिप इस पेरेंट डिप को मैंने दिया पोजीशन रिलेटिव और इसको दिया पोजीशन एब्सोल्यूट. अब ये चाइल्ड जैसे इसको पता लगे कि हाँ भी पोजीशन रिलेटिव पेरेंट को मिल गया है, तो फ़ौरन से ये अब इसको अपना पेरेंट मानेगा. मैं इनके रेड को क्या मानेगा अपना, ये वाइट क्या मानेगा पेरेंट. ओके,
तो जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये अब ये ऊपर दिखाई दे रहा है आपको 50 पिक्सल, इसको मार रहा था तो अब इसको 50 पिक्सल यहाँ से मानेगा और कहेगा हाँ भी रेड तुम मेरे पेरेंट हो। ओके, अगर रिफ्रेश करूँगा तो देखो ये कहता है कि हाँ बिल्कुल यहाँ से 50 पिक्सल मार्जन आ गया और अब इसको ये अपना पेरेंट मार रहा है। ओके, तो अब इस तरीके से हम इस डिव को सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो खैर इतना काम तो आपको समझ आ गया, पोजिशन रिलेटिव और एब्सोल्यूट। ठीक है, तो खैर ये काम हमने कर लिया, तो इसको अभी मैं ख़त्म कर देता हूँ, तो आपको समझ आ गया होगा मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको। ठीक है, तो जब भी आप यूज़ करेंगे तो पहले अगर डिव, अगर आपने डिव के अंदर डिव लेना है तो आप जो पेरेंट डिव है उसको रिलेटिव दें और चाइल्ड डिव को आप एब्सोल्यूट दें। ठीक है, ओके, और नेक्स्ट आप सेंटर में कैसे करेंगे, यहाँ पर लेना टॉप, टॉप से मैं कहता हूँ कि 50% ये नीचे आ जाए, यानी कि 50% यानी कि यहाँ बनेगा इसका। ठीक है, हाफ में, और लेफ़्ट से कितना 50% आ जाए, तो डिव हमारा यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये इसका ये वाला जो पोर्शन है कोना जो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और ये नीचे की तरफ शो होगा। ठीक है, अगर मैं इसको अब लेफ़्ट से भी करूँ, लेफ़्ट 50%, ओके सेव, अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो अब ये देखिए इधर आपको डिव शो हो रहा है। ओके, तो ये जो कॉर्नर है आपको यहाँ पर शो हो रहा है, मीन कि यहाँ से 50% और यहाँ से 50%। ओके, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास, अब हमने करना है इसको बिल्कुल सेंटर में। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी हमारे पास ट्रांसफॉर्म की, ठीक है, ट्रांसफॉर्म, और इसके अंदर ट्रांसलेट, ट्रांसलेट, ट्रांसलेट में गाइस हम टू वैल्यू जो हम पास करते हैं कि लेट्स से, कि जैसे कि मैं कहता हूँ कि ये है टॉप का, ये 100% है, इसका मुझे चाहिए हाफ 50%, हाफ ऑफ करूँगा तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ओके, अगर ये हमारा वाई एक्सिस है और ये मेरा क्या है एक्स एक्सिस है। ओके, तो मैं अब यहाँ पर करता हूँ -50%। ठीक है, सेव, और इस तरीके से अगर मैं इसको कर देता हूँ -50%, तो गाइस बिल्कुल जो है हमारा जो डिव है बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ओके, अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो देखें बिल्कुल डिव हमारा कहाँ आ गया, बिल्कुल सेंटर में आ गया। ओके, अगर मैं यहाँ पर कर दूँ, ओके 100% कर दूँ यहाँ पर, ठीक है, तो ये कहाँ पर आने वाला है, यहाँ पर इस तरफ। ठीक है, तो आपने क्या करना है इसको, इसको आपने 50% करना है। ठीक है, 50%, ठीक है, सेव, ओके, तो अब करता हूँ तो ये सेंटर में आ जाता है। ओके, तो इस तरीके से हम इसको सेंटर में कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है कि अगर मैं इस डिव का जो पेरेंट डिव है इसका साइज़ मैं इंक्रीज़ कर दूं, लेट से जैसे कि मैं कहता हूँ कि 100 वर्टिकल हाइट हो और 100% इसकी क्या हो, विड्थ हो, सेव, अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो ओके, ये मार्जिन थोड़ा सा मैंने दिया हुआ तो ये हम ख़त्म कर देते हैं, मार्जिन टॉप और ये लेफ़्ट जो है ना ख़त्म कर दे, सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो अब आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ओके, तो थोड़ा सा मार्जिन पैडिंग आया हुआ तो उसको हम ख़त्म करते हैं यहाँ से, तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा यूनिवर्सल सेलेक्टर, ओके स्टेरिक, और यहाँ पर पैडिंग जो है वो है 0 पिक्सल, ओके, और मार्जिन जो है वो है 0 पिक्सल, ओके।